भाई कचरा होता है ना कचरा, वो वाली हालत हो रखी है इसकी। सीढ़ियाँ चेक करो आप कैसे लगाई हुई हैं, सीधी हवा में। वो सामने अपना बंदा गया खेलने, सामने पंजाब का मेरे साथ वाला टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे नदी में, और अपना बंदा आ गया बैटिंग पे, सो देखते हैं क्या करता है क्या नहीं। बल्ले, क्या बात है, बंदे ने छक्का मार दिया जाते ही, बंदे बोल रहे थे खेल नहीं पाएगा, क्या बात है। बंदे का नाम है पतरस ओम तरनतान, और ये एक और शॉट खेला, रन रन रन। A few moments later. So guys, opposite team ने लगभग 10 बॉल में 30 रन कर चुकी है और हमारी टीम के टोटल रन है 68, सो टारगेट है 69। आराम से खेल लेंगे बंदे, सो हार तो पक्की है फिलहाल के लिए, मैं कहीं और लेके चलता हूँ आपको। यहाँ के जो लोकल बंदे हैं वो टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट का, हर संडे खेलते हैं इधर इसी बहाने। मैं भी ऊपर से आ गया था और मेरा फ्रेंड भी आ गया था, सो फ्रेंड मेरा तो खेल रहा है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, सो बाकी तो सब सही है, लेकिन इधर की जो लैंग्वेज है ना भाई वो थोड़ी ना टफ है, मतलब सीख तो सकते ही नहीं हम, पता नहीं कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन चलो जो भी है अच्छी लगती है सुनने में। ये आप देख रहे हो सामने ऊपर से ट्रक जो भी पत्थर वगैरह इधर से फेंक रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं पूरा, क्योंकि ये गिर रहा था नीचे को तो इसीलिए। और 4-5 दिन पहले की बात है, यहाँ पे ही ऐसे ही एक ट्रक ऐसे बज रहा ऊपर से फेंक रहा था, पत्थर वगैरह फेंक रहा था बड़े बड़े, सो वो ड्राइवर ने कान को लगाया हुआ था फ़ोन, ट्रक पीछे लिया, लिफ्ट ऊपर करी, लेकिन उसने पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे ख़त्म हो चुका है वो, और वो सीधे टायर जो हैं वो नीचे की तरफ आ गए और ट्रक सारा आगे से ऐसे पलट के नीचे आ गया। सो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी हालत क्या हो रखी है। सो वो रहा सामने ट्रक, भाई कचरा होता है ना कचरा, वो वाली हालत हो रखी है इसकी। सो मैं वहाँ पे जाके आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी वो ऊपर से स्लाइडिंग हो रही है, जैसे कि वो पत्थर फेंक रहे हैं तो स्लाइडिंग हो रही है, ऑब्वियसली मैं वहाँ पे जाऊँगा तो खतरा है, सो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे। सो वो आप देख रहे हो ट्रक, आपको देख के अंदाज़ा लग रहा हो कि क्या हो रखा है, बंदा तो नहीं बचा था, बंदा कैसे बचेगा इतनी ऊपर से गिर के, कहाँ बचेगा बंदा। इसीलिए फ़ोन वगैरह का हमें इस्तेमाल यूज़ नहीं करना चाहिए ड्राइविंग करते टाइम, या फिर कुछ और ऐसा काम करते टाइम जो डेंजरस हो थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि हमें हर टाइम चौकन्ना रहना चाहिए। मेरे पीछे नदी देख रहे हो, इसी में हम नहा के गए थे, सो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार जहाँ पे, और भी काफ़ी प्लेसेस हैं जहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, सो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। सो एनीवेज अभी चलता हूँ वापस, मैं यही दिखाने लाया था आपको, क्रिकेट खेल रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। सेम ऐसे ही वो भी ट्रक फेंक रहा था, लेकिन उसका थोड़ा सा उसने ध्यान नहीं दिया तो पीछे को ही आ गया पूरा का पूरा, और वो इधर से नहीं गिरा था, वो वहाँ से गिरा था, वहाँ से गिर के सीधा नीचे पर। जीटी रोड है, पूरा हाईवे है, टू वे बन रहा है, इसीलिए ये काम चल रहा है। इधर पत्थर देख रहे हो ऊपर से कैसे आ रहे हैं नीचे को, इसलिए मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पे खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। 26 बॉल भी होती कितना, सो टीम हार चुकी है भैया। Nice. अभी चलते हैं घर को नहीं मतलब रूम को, घर पे तो पता नहीं कब जाएंगे। फिशिंग करने का भी यहाँ पे मजा आएगा, सो किसी दिन करूँगा जरूर मैं फिशिंग यहाँ पे, ट्राई करूँगा किसी लोकल बंदे के साथ, क्योंकि पानी ठंडा है और फिशिंग का तो अलग ही मज़ा है पहाड़ों में बैठ के, सो ट्राई करेंगे ज़रूर एक बार। इतना मन फिर से कर रहा है कि पानी में घुस जाऊँ, लेकिन घुसना नहीं है भाई, सुबह ही नहा के गया था। इधर ये लोगों ने पत्थर इसीलिए लगाए होते हैं जाले में, ताकि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो पहाड़ वगैरह नीचे ना आ जाए। सेब के पेड़ लगे हैं ये, और सेब हो रखे हैं ऊपर, अभी कच्चे हैं तो सीज़न आने पे पक जाएंगे। और ये पूरा का पूरा पेड़ ग्रेप्स अंगूर, Thank you.
पहाड़ों पे टीन वाले घर ही मिलेंगे, वो इसलिए क्योंकि स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल में सिर्फ टीन ही काम आती है, जहाँ फिर वो पत्थर जो होता है अगर लेंटर वगैरह डालोगे सीमेंट वाला तो वो फट जाता है आइस गिरने के कारण, इसलिए यही एक रीज़न है लोग टीन वगैरह डालते हैं। सो गाइज इसे बोलते हैं अखरोट, दिस इज द ओनली वन फेमस इन चंबा, हिमाचल, कश्मीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी जगह पर ही लगता है, लोगों ने बाग लगा के रखे हैं भाई इसके। सो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो गाइज, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आ गया तो आपको पता ही है क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।